शरीर वही ब्रह्मा शिव तोर चरित भगवान ए नर लोके विडम्बन एणु तोरिपु मित्र नाहीं प्राणी जानिबे तोते काहीं। हे मणिमा हे भगवान तुम्हें जेतेबेले ये मनुष्यंक परि लीला करो सेतेबेले तुम्हें जे कौन करिबा को चाहो ताहा केही जानि पारंति नाही। तुम्हारी केही प्रिय नुह कि केही अप्रिय मध्य नुह तुम संबंध रे लोकंक बुझिबारे ही विषमता रही थाए। तुम्हें हेउछ ईश्वर विश्वर ये संपूर्ण ब्रह्मांडर आत्मा तुम्हें विश्वरूप तुम्हारो जन्म नाही कि कर्म नाही तथापि तुम्हें पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर प्राणी ये आदि रूप से जन्म हुआ एवं से ही जोनिमानंक अनुरूप कर्म मध्य कर। ये सब होची तुम्भरी दिव्य लीला हे महाप्रभु। ये संध्या समय रे यही विचार मन भीतर आनी प्रभु को गोटे प्रणाम करी ये संध्या समय रे आमे मान देखुचे भगवान पतित पावन नारायणंकर ये दर्शन करुचे चर्म चक्षुरे टीवी परदारे कहिबा प्रभु को प्रभु ये जहा किछि होउचि सब आपण ही करुछंती आपणंक इच्छा रे ही सब किछि होउचि एवं आउ गोटे पट टीवी परदार देखुचे महाप्रभुंकर ये दिव्य प्रासाद श्रीमंदिर एवं बड़दाण्डरु भक्तमानंकर भिड़ मध्य रहिचि। संध्या समय रे घरे संज बत्ती टिके देई प्रभुंकु सम्मुखरे दीप टिके देई से दीप जलिबा द्वारा आम घरे अनेक प्रकार कष्ट दुख व्याधि दूर होइथाय। तेणु ये संध्या समयटी एथिपाई गुरुत्वपूर्ण जे समयटी होउचि प्रभुंक पाई परमात्मांक पाई ये प्रार्थनार समय प्रभुंकु ध्यान करिबा प्रभुंकु स्मरण करिबा एवं प्रभुंकर टिके सम्मान करिबा। आहा तीर्थराज महोदधिंकर दर्शन हलाणी तीर्थराज महोदधिंकर आळती मध्य आमे आउ किछि समय पर देखिबा। ये अनंत सागर अनंत सागर रे भगवान अनंत शयन करिथांती महाप्रभुंकर साक्षात ससुरालय होउछंती तीर्थराज महोदधिंकर से स्थान तेणु देखिबे वर्तमान आरती प्रस्तुति चलीची भगवान पतित पावन नारायणंकर आळती हेब संध्या आळती एवं ये तीर्थराज महोदधिंकु काहीं आळती करा जाए आळती काहीं करा जाए ये संबंध तो ये संपर्क तो आम जाणीबा। ये संध्या समय प्रभुंकु चिंतनर समय प्रभुंकु स्मरण करिबा ध्यान करिबा दीपटिए जाळी दीपटिए प्रभुंक सम्मुखरे लगेई ये संसार किभळि कल्याण हो सही चिंता करिबा। आज भक्तमानंकर ये मस्तक दृश्यमान होउछि देखंथु एवं से मस्तक उपरे रहिछि भक्तमानंकर दुईटी हाथ इपरि भावरे तीर्थराज महोदधि पतित पावन नारायण एवं नीलचक्र भगवानंकर ये प्रासाद आमे सबु दृश्यमान होउछन्ति एवं ये जो संध्या समय रे आमर आळती करा जाय मन रखंथु ये आळती होउछि एभळि एक पूजार विधि जहाँ पूजार शेषरे होइथाय आळती किंतु यही आळतीटी जदि न हुए पूजा आपणकर अधा रही ये बिना आळती रे पूजा संपन्न हुए ना पूजा केतेबेले पूर्णांग हुए ना तेणु आळतीर एत महिमा आळती की एत गुरुत्व दि जाइए आमर परंपरा रे पूजा विधि रे तेणु जेकोसी पूजाटे हो आप शेषर टी आरती करेंगे बंदापना करेंगे एवं महाप्रभुंकर रही जिते सबू उत्सव मानक जानी जात्रा या आळती स्वतंत्र आळती से रही आळती बंदापना रही गुमुट महालक्ष्मी ये सुंदर विग्रह दृश्यमान हेलेनी सिंहद्वार गुमुट उपरे भगवतींकर स्पष्ट भाव दर्शन शुक्ल शुक्ल वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर दव्यैर गजेंद्रेर मणिघण गचित स्नापिता हेम कुंभई तेणु विराजमान करिछंति सिंहद्वार गुमुटरे भगवती गुमुट महालक्ष्मी। आउ गोटे पटे आम दर्शन करुचे राजाधिराज राजेश्वर अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान पतित पावन नारायण तेणु प्रभु को जितेबाला देखिबे ये जहाँ भी संसार रे आम देखुचे ये सब कौन तेणु सब प्रभुंकर स्वरूप जहाँ भी किछि होउची जहाँ भी किछि हबो हेबा को जाउची ये सब प्रभुंकर इच्छा आमे किछि करू ना हे आमे होचु कौन गोटे गोटे जंत्र
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথিমা, যেমন চলাও তেমনি চলি। তেমনি আমি হচ্ছে যন্ত্র আউ সি প্রভু হচ্ছেন যন্ত্রী, আমি হচ্ছে রথ সি রথি অটন্তি, আমি ঘর এবং সি ঘরর লোক ঘরে রহুথবা লোক। দেখুন আলতি সংযোগ হলা ভগবান পতিত পাবন নারায়ণঙ্কর দিব্য আলতি। প্রথমে কর্পূর আলতি সংস্কার করাগলা, আলতি সংস্কার পরে বর্তমান আলতি ভগবান পতিত পাবন নারায়ণঙ্কর মুখমণ্ডলের হরি হরি বোল হরি হরি বোল হরি হরি বোল প্রণাম করি দিয়ন্তু। দুই হাতকু যোড়ি যে যেউঠি অছন্তি প্রভুঙ্কু দেখুছন্তি, প্রভুঙ্কু অবলোকন করুছন্তি, চর্মচক্ষু ধন্য আজি এই মনুষ্য জীবন ধন্য হয়ে যায় প্রভুঙ্কর আলতি দর্শন কলে। এবং এই আলতি দর্শন করা দ্বারা জীবর মনুষ্যর আমমানঙ্কর আরত দুঃখ কষ্ট এসব প্রভু নে হরি হরণ করে দিয়ে নিয়ে যাইথান্তি। তেমনি এই যে দিব্য কর্পূর আপনার দেখুছেন, কর্পূর পূরেণ মনো হরেণ সুবর্ণ পাত্র উদর সংস্থিতেন প্রদীপ হাসা সহসাগতেন নিরাঞ্জনম তে ভুবি দর্শয়ামি। হে মণিমা ইয়ে কর্পূর আরতি গ্রহণ করন্তু, হে জগদীশ মহাপ্রভু কর্পূর আরতিম সমর্পয়ামি নমঃ। তেমনি এই কর্পূর আরতি প্রভুঙ্কু অর্পণ করা যাচ্ছে প্রথমে। এবং ইয়ে কর্পূররে এভাবে এক শক্তি রয়েছে, যদি এ কর্পূর তো অহংকার প্রতীক, কর্পূর জ্বলিবা দ্বারা জীবর মনুষ্যর অহংকার নষ্ট হয়ে থাকে। তাপরে ইয়ে কর্পূররে এভাবে এক শক্তি রয়েছেন যে কর্পূর জ্বলিবা দ্বারা ইয়ে বাতাবরণ আমার কোণ না শুদ্ধ হয়ে থাকে। ইয়ে কর্পূর অগ্নি সংযোগ হয়ে প্রজ্বলিত হওয়া দ্বারা ইয়ে বাতাবরণ শুদ্ধ হয়ে থাকে এবং দেবাদেবী মানুষ তাঙ্কর মন্দিরকু বা পূজাস্থলকু তাঙ্কর মার্গ প্রশস্ত হয়ে থাকে। তেমন কর্পূরর মহত্ব অনেক রয়েছে। এবং যদি দেখবে আয়ুর্বেদের মধ্যে কর্পূরর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আয়ুর্বেদের প্রত্যেকটি স্থানের কর্পূর রয়েছে। বা যদি দেখবে কর্পূরের এভাবে এক গুণ রয়েছে যা কি কীটাণু এবং ভূতাণু নাশক। কর্পূর জ্বলিবা দ্বারা আপনার দেখুন আমরে আমি বস্ত্র মানকরে বা গডরেজ মানকরে যে লুগাপটা রখিছে গন্ধ কর্পূর খণ্ডে রখুছে না রখুনে, গন্ধ কর্পূর রাখা দ্বারা কোণ না কীট পোক মানে সে বস্ত্রকু কাটবে না নষ্ট করবে না। তেমন কর্পূরের এভাবে এক শক্তি রয়েছে আমার সনাতন পরম্পরার, কর্পূরের এভাবে মাহাত্ম্য রয়েছে যে প্রথমে আমার জগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্কু শ্রী কর্পূর, কর্পূর অনেক প্রকার রয়েছে অপমিশ্রিত মিশ্রিত বা অনেক কিসমর কর্পূর মধ্যে রয়েছে। ইয়ে প্রথমে কর্পূর আরতি পরে পরে দেখুন পঞ্চ প্রদীপ আরতি ভগবানঙ্কু অর্পণ করা যাচ্ছে। হরি হরি বোল হরি হরি বোল মণিমা, হে আনন্দ কন্দ সচ্চিতানন্দ চিন্ময় ঘন শরণ শরণ পদ্মপলাশ লোচন অঘটন ঘটন পটিয়সী পরাত্পর পরমেশ্বর জগতাধার অখিলান্ন কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক দিব্য দিব্য সভ্য সভ্য ভব্য ভব্য প্রলভ্য প্রলভ্য সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ মৃদুল মৃদুল মঞ্জুল মঞ্জুল দীনদয়াল কৃতকর্তা অমৃতমন্তা দৃষ্ট দ্রষ্টা স্বামীম সর্বজগন্নাথ প্রপন্নানাম স্বভক্তানাম সর্বদা মঙ্গলম কুরু। মণিমা আপন ইয়ে সংসারের মঙ্গল করন্তু, সংসারের কল্যাণ করন্তু। ইয়ে আলতি ইয়ে হচ্ছে অগ্নি তত্ত্ব, অগ্নি তত্ত্ব আজি আকাশ তত্ত্বরে দেখন্তু। ইয়ে কর্পূর আরতি স্থির থিলে কিন্তু ইয়ে পঞ্চ প্রদীপ আরতি বতী আরতি ইয়ে স্থির রহিবেনি, ইয়ে বুলা যিব। ইহার বিধান রহিছি কোণ সে বিধান না, পাদরে চারিথর বুলা যিব এবং নাভিদেশরে দুইথর বুলা যিব এবং মুখমণ্ডলরে গোটিয়ে থর বুলা যাব এবং সর্বাঙ্গ সাত থর। ইয়ে চারি দুই ছ মুখরে এক সাত এবং আউ সাত থর, সম্পূর্ণ ভাবে চৌদ থর আরতির বিধান রয়েছে। এবং ইয়ে যে চৌদ থর আরতি করা যায় কাহিকি না ভগবানঙ্কর ইয়ে চতুর্দশ ভুবন রয়েছে। ইয়ে চৌদ থর আরতি বুলাইবা দ্বারা ইয়ে চতুর্দশ ভবনরে থিবা ভগবানঙ্কর সত্তার আমার প্রার্থনা প্রভুঙ্ক পাখরে পৌঁছি থাকে। ইয়ে জীব পরমঙ্ক পাখরে পৌঁছি থাকে আলতি মাধ্যমে। তেমন আলতির মহত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ে আলতি প্রত্যেকটি পূজার অন্তরে প্রত্যেকটি পূজার শেষ সময়ের দেখবে আলতি করা যায়। বিনা আলতি পূজা পূর্ণাঙ্গ হব না, তেমন পূজা অধুরা রহিযিব। আপনার সেতবে যেতবে আরতি করবে পূজা পূর্ণাঙ্গ হব, আলতি সম্পন্ন হয়েছেন ভগবানঙ্কর। নির্বাণ মুদ্রা দেখে প্রভুঙ্ প্রণাম করছেন, বারম্বার প্রণাম করছেন এবং তাপরে কোণ করবে এনে দণ্ডবত প্রণাম করবে প্রভুঙ্ টিকি ভূমিষ্ঠ হয়ে ভূমিরে টিকি আণ্ঠু পকাই প্রভুঙ্ প্রণামর বিধান রয়েছে এইপরি ভাবে। তেমন আলতির
महत्व अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ये आरती प्रभुंकर करा जाई थाए। एही आरती आमे नेबा द्वारा आम षड़ चक्र उपरे मध्य आर प्रभाव पड़ताए, शरीर मध्य प्रभाव पड़ताए। एवं देखंतु आपण अनेक चिंतार रहुछंती, चिंताग्रस्त होकर रहुछंती, अनेक बाधा अनेक विघ्न आसुची। गोटे थर बा किछि दिन आपण प्रभुंकर आरती रे टिके जाई कि प्रभुंकर आरती देखिदेवे, आपणकु पूरा एकदम हल्का लागिव। काहेकि ना ये आरती रे निश्चित भाव रे एक एभळी एक ऊर्जा रहिची, ये आरती दर्शन एवं आरती टिके पाइबा द्वारा भगवान से सबू आम शरीर भितर थिबा नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी सबू आम देह पलई थाए। ये आरती देखिकरी आरती पाइबा द्वारा प्रभुंकर ये सबू नकारात्मक शक्ति आमठू छाड़िकरी चली जाइथांती, एवं भगवानंकर सत्ता एवं से सकारात्मक ऊर्जा आम भितर प्रवेश करिथाम। तेणु आरतीर एत महत्व रही निश्चित भाव आरती। तेणु से ही प्रभु जहाँ अनेक कथा रही, ये आरती हूँ एभली एक गोटे कथा। जगन्नाथ मंदिर रे देखिए ये आरती जो भाव में हूँ प्रभुंर आउ कौन स्थान होना आय स्थान कौन ना आम कर्पूर आरती, तापर बती आरती सरीगला बा केउठी केवल कर्पूर आरती हुए, केउठी केवल बती आरती हुए। मंदिर देखि चाहिकरी विधि व्यवस्था को देखि चाहिकरी से स्थान आरती होता है, किंतु आम जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे आरतीर विधि अत्यंत स्वतंत्र। कौन ना एठी आरती तीन प्रकार आरती, पिष्ठक आरती होता है, चाउल बटा होकर ताधर बती दिया ही ताधर आरती होता है। भक्त मैंने पिष्ठक को मध्य पाई आरती रूप से मंगल आरती जाइए पाई जो भक्त मैंने जानते हैं। ये संध्या अवकाश संध्या समय दृश्य आपण मैंने देखुं जय जगन्नाथ टीवी रे भगवान पतित पावन नारायण अति स्पष्ट सुंदर दर्शन करुछंती, दीप जलुछंती, अनेक दीप जलुछंती। भगवान पतित पावन नारायण सम्मुख भाग रे एक दीपर रुखा मध्य रही, से रुखारे बृहताकार प्रदीप, से बृहताकार प्रदीप भितरे अनेक घृत दिया जाई अनेक मात्रा अधिक मात्रा रे से अखंड दीपटे जलुछंती, अखंड प्रदीप अखंड ज्योति से अहरनिशी मुहुर्मुहु जलुथिबे एमती प्रभु पाखरे। तेणु सी हेल्ला अखंड दीप एवं पूजा दीप। पूजा दीप माने आमर पूजा समय रे जो दीप व्यवहार करा जाए से हूँ पूजा दीप, से केवल पूजा समय पर उद्दिष्ट निर्दिष्ट समय जी समय आम पूजा करवा सी पूजा दीपटी से समय जल्द। एवं अखंड दीप आमर प्रातः काल रु जल्द ये पहड़ पर्यंत से हूँ अखंड दीप, अखंड भाव में जी जली थाए लिभव ना ताको अखंड दीप कहुए। एवं कर्पूर कथा आम कहते गोटे कथा मन रखत जो माने जय जगन्नाथ टीवी देखुं ये अकिंचन दासर कथा को शुणुं प्रभु को दर्शन करुंटी घरे अशांत रहुचि बा भय भयर वातावरण रहुचि गोटे काम करिवे ये संध्या समय आप तो संज जमी दवा कथा देवे खंडे कर्पूर को घी भितर टिके बुड़े पुणी उठेदेकि अग्नि संजोग कर भगवान को टिके ठाकुर घर टिके आरती करिवे एवं आरती करी ताकु सबु घर टिके बुलेई देबे। आ देखिबे आपन को किपरि अनुभव होउचि अनुभूति होउचि ई कर्पूरर महिमा विषय रे आपन जानि पारिबे। तनु कर्पूरर एभळी एक शक्ति रहिचि जहा कि आमर अनेक बाधा विघ्न आमर दूर करिथाय। एवं ई आरतीर अर्थ कोन ना भगवान को आमे टिके स्मरण करिवा ये हूँ आरतीर गोटे अर्थ भगवान को याद करवा एवं तांक प्रति ईश्वर प्रति आमर आदर भाव स्नेह भाव को प्रकट करिवार अर्थ हूँ आरती। एवं ईश्वर को स्मरण करिवा तांकर गुणगान करिवा एवं प्रत्येक व्यक्ति तांकर आराध्य को आरती करिवा दरकार। आरती करिवा द्वारा अनेक असाध्य कार्य हो जाए आज्ञा। तेणु ये आरतीर परंपरा आमर अनेक काल रु रही आसी पूजार मध्य आमर आरतीर महत्व सर्वशेष पूजा शेष आरती तापर पुष्पांजलि आरती न कले से पूजा पूर्णांग हुए ना। यही तीर्थराज महोदधिंकर आरती आमे माने देखिवा दर्शन करिवा ये तीर्थराज महोदधिंकर आरती निमंते से गोवर्धन मठ शंकराचार्य मठरु वैदिक विद्यार्थी ब्रह्मचारी माने आसी उपस्थित हेले। से काष्ठ निर्मित पीठ
से पीठ उपर रही कर्पूर आलती दानी विराटकाय बृहताकार दानीटीए रही से दानी गर्भरे अछंती बलिता बलिता रही घृत मिश्रित बलिता एवं कर्पूर मध्य चूर्ण होकरी ताऊपर दिजाव से ही दानी से आलती करेंगे ता पूर्वर ये पर्याय प्रस्तुति चली आसन पड़ा शंख बैठी थुआ हे गड़ु धरिकी जी समुद्र देवता तीर्थराज महोदधि की क्षीर नीर ये सब अर्पण करेंगे तापर पूजा पूजा पर आलती विधि मध्य ये सबू आबद्ध हो सुंदर भाव देखुं तीर्थराज महोदधि दर्शन अति अपूर्व भाव लहड़ी मध्य रही ज्वार समुद्रर तीर्थराज महोदधि दर्शन एपटे पतित पावन नारायण दृश्यमान हेले भक्त किए तुलसी दे तुलसी पाद तले चढ़ला प्रभुंर एपटे अनेक श्रद्धालु दंडायमान होकरी रही अच्छा से दुर्लभ तीर्थराज महोदधि आलती देखापी जो मैंने घरे बसी जय जगन्नाथ टीवी रे आलती देखुं से निश्चित भाव जितेबले आलती हेब से समय प्रभु को प्रणाम करेंगे प्रभु को टिके ध्यान करेंगे हे परमेश्वर आम ये घरे बसीचु आपण पाखक जापारू का डोरी लगे आम तो जीव निश्चित भाव आमको कृपा करेंगे अनुग्रह करेंगे देखिए जो वैदिक विद्वान ब्रह्मचारी मान रही तिलक भस्म धारण कर ये बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजित अपि महादेव नश्या तस्य फलप्रदम तेणु बिना भस्म त्रिपुंड्रे ये शंकराचार्य शैव नुहंती परंतु ये सनातन धर्मर तिलक हूँ त्रिपुंड्र यो तीन टा ये शैव त्रिपुंड्र अलग ये धनुषाकृति होकर ये लगी था कपाल किंतु यांकर देखिए सीधा लगी ये त्रिपुंड्र धारण कर मस्तक बाहुदेश कंध ये द्वादश तिलक शिव तिलक गले वर्तमान तीर्थराज महोदधि को अर्पण करेंगे कौन ना क्षीर टिके अर्पण करेंगे पंचामृत अर्पण करेंगे तीर्थराज महोदधि को जहाँ गर्भर अमृत उत्पन्न होता समुद्र देखु पुष्प पकईले पुष्पमाल्य पकईले सी मध्य समुद्रंकर जुआर लहड़ी में समुद्र गर्भ को चलीगले अर्पण करेंगे क्षीर ये यहीपर विधान रही आम शास्त्र शास्त्रोक्त विधि विधान अनुसार ये समस्त कार्य निर्वाह होखु क्षीर वर्तमान अर्पण कले ये क्षीरटी तीर्थराज महोदधि उद्देश्य रे अर्पण करागला हे तीर्थराज आपण जगतर कल्याण करतु मंगल करतु पछुआ पछुआ आसुँ आगक आसुना ये हूँ विधान अर्पण कर सारापर एवं ग्रहण तीर्थराज महोदधि ग्रहण कले से स्थान में प्रणाम करूमिष्ट प्रणाम प्रणाम हो वर्तमान सेपट को जीवे तापर अन्यान्य विधि विधान अनुसार तीर्थराज महोदधि आलती कराए तीर्थराज महोदधि होती जिते तीर्थ रही आमर जो पंचतीर्थ रही ये क्षेत्र में ये पंचतीर्थंकर सबुठ ये पंचतीर्थंक भितर रही तीर्थराज महोदधि मार्कंडेय बटकृष्ण रोहिणेय महोदधि इंद्रदिम्न शरेश्वर पंचतीर्थो विधि स्मृत तेणु ये पंचतीर्थंक भितर आमर रही तीर्थराज महोदधि मार्कंडेय बटकृष्ण रोहिणीय महोदधि तेणु महोदधि आसुं तीर्थराज एवं सेपरी भागवत देखा कीर्तन आरंभ हो गला राम नाम कीर्तन श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम यहीपर कीर्तन भगवान दिव्य नाम ये नाम कहीं नामर अनेक आवश्यकता रही प्रभुंर नाम उच्चारण करने द्वारा आम चेतना तो शुद्ध होता तापर भी प्रभु नाम एत प्रभाव रही राम नाम कृष्ण नाम ये सब नाम कौन करना वातावरण को शुद्ध करम पखापाखि जिते सब वातावरण रही समस्त वातावरण शुद्ध हो जाए केवल ये प्रभुंर नाम उच्चारण करने प्रभु नाम उच्चारण अनेक महिमा महात्म्य आम शास्त्र रही देखिए करताली सहित अनेक ब्रह्मचारी मान रही सी वर्तमान कौन करना नाम उच्चारण पूर्वक कीर्तन करे पीठ उपर बसी संस्कार इत्यादि करुँच संस्कार सरवापर
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ବୈଠି ଉପରେ ଶଙ୍ଖ ଥୁଆ ଯାଇଛି। ସେ ଶଙ୍ଖ ଜଳକୁ ଆସନ ଠାରୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ତାପରେ ଶେଷରେ ଆଳତୀ ଆଳତୀ କରିବେ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇ ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନ ଗଙ୍ଗା ନ ଗୟା ସେତୁର୍ନ କାଶୀ ନ ଚ ପୁଷ୍କରମ୍ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତତେ ଯସ୍ୟ ହରିରିତ୍ୟକ୍ଷର ଦ୍ୱୟମ୍। ନା ଗଙ୍ଗା ଯିବା ଦରକାର, ଇଏ ଯାହାଙ୍କର ଜିଭ ଅଗରେ ହରି ହରି ଏଇ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ଗଙ୍ଗା ଗୟା ସେତୁବନ୍ଧ କାଶୀ ପୁଷ୍କରା ତୀର୍ଥକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ନାମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଳି ଦେଇ ରାମ କଥା ସୁନ୍ଦର କର ତାରି ସଂଶୟ ବିହଗ ଉଡ଼ାବ ନିହାରି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଳି ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି। ଇଏ କରତାଳି ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସଂଶୟ ରୂପିକ ବିହଗ, ସଂଶୟ ରୂପିକ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଗଛ ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ ତାଳି ମାରିବେ, ଆଉ କିଏ ପକ୍ଷୀ ରହିବେ ସେ ଗଛରେ? ରହିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଉଡ଼ିଯିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାମ କଥା ସୁନ୍ଦର କରତାରି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରତାଳି ଦେଇଥିବ ଦେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ। ଯଦି କରତାଳି ଦେବା ତେବେ ଆମର ସଂଶୟ ରୂପିକ ବିହଗ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ରୂପିକ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଡ଼ିଯିବେ, ରହିବେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତା ହରଣ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଋଗ୍ବେଦୋଥ ଯଜୁର୍ବେଦ ଶ୍ୟାମ ବେଦୋ ହ୍ୟଥର୍ବଣ ଆଧୀତାସ୍ତେନ ଜେନୋକ୍ତମ୍ ହରିରିତ୍ୟକ୍ଷର ଦ୍ୱୟମ୍ ଅଶ୍ୱମେଧାଦିଭିର୍ଯଜ୍ଞୈର୍ ନରମଧ୍ୟୈ ସଦକ୍ଷିଣୈଃ ଜଜିତଂ ତେନ ଜେନୋକ୍ତମ୍ ହରିରିତ୍ୟକ୍ଷର ଦ୍ୱୟମ୍। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ହରି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଛି ତାର ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିଏ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ପାତ୍ରଟିଏ, ଥାଳିଟିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଥାଳିଟିକୁ କାଢ଼ିକିରି ରଖିଲେ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ ପୀଠ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ବୃହଦାକାର ଥାଳି ରହିଛି, ସେ ଥାଳିରେ ଏକ ପୁଷ୍ପମାଳାଟିଏ ରହିଛି, ଫୁଲମାଳଟିଏ ରହିଛି। ସେ ଫୁଲମାଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ସେ ଆଳତୀ ଦାନିରେ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖଞ୍ଜାଯିବ। ସେ ଆଳତୀ ଦାନିରେ ସେ ଫୁଲମାଳଟି ରଖାଯାଇ ତତ୍ପରେ ଆଳତୀ ଦାନିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସକଳ ତୀର୍ଥ ଘେନି ହରି ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିଜେ କରି, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଜୀବି କି କାରଣେ। ତେଣୁ ଇଏ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଆଳତୀ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି। ଏବଂ ସେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନଂ ଭବେତ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍, ସେ ଜୀବକୁ ସେ ଜାଣତର ହଉ ଅଜାଣତର ହଉ, ସେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ସେ ଯଦି କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛି ତା'ର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇ ତା'ର ପୁଣ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତାକୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତଦର୍ଶନଂ ଭବେତ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍, ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ
स्पर्श करदेवा मात्र अनेक यहीपर भाव जीव को पुण्य मिलता है। तेणु ये पंचक्रोश मिदं क्षेत्र समुद्रंत व्यवस्थित दिक्रोशं तीर्थराज से तटभूमौ से निर्मल। तेणु ये तीर्थराज किए ना माँ महालक्ष्मी देवी श्री यमराज को जो ये क्षेत्र वर्णना प्रसंग में कहले यार परिसीमा पंचक्रोश एवं यार समुद्र पर्यंत परिव्याप्त ता मध्य तीर्थराज समुद्रर तटभूमि ठारु दुई क्रोश परिमित स्थान अत्यंत निर्मल स्थान एवं सेठार साक्षात नारायणात्मक विश्वेश्वर देवदेव महादेव अग्नि संयोग हला सुंदर भाव रे से आलती दानी रे अग्नि संयोग हलाणी चूर्ण कर्पूर मिश्रित होई पड़िथिवारु अति प्रज्वलित अग्नि प्रज्वलित वंदे जात वेद हुताशन तेणु सुंदर भाव में आरती तीर्थराज महोदधी आरती समुद्र मंथन है तीर्थराज महोदधि आमको केते कौन प्रदान करवत हस्ती कल्प वृक्ष माँ महालक्ष्मी अनेक मोती माणिक्य केते कौन प्राप्त एवं ये समुद्र केते जनकर जीविका उपरे निश्चित भाव देखत ये समुद्र रु केते लोक उपकृत होपण चिंता कले समुद्र आमको केते कौन संपद देखें आम सनातन धर्म आप देखिए आम प्रत्येक आम पर्वत को पूजा करूँ आम नदी की पूजा करूँ आम सगर को पूजा करूँ तेणु आम सनातन सिद्धांत हूँ सर्वोपरि यह एक परम विज्ञान सम्मत सिद्धांत तेणु आम सगरंकर सम्मान करू समुद्र तीर्थराज महोदधि प्रति आमर सादर व आदर व्यक्त करू सम्मान व्यक्त करू प्रकट करू आमर भक्ति प्रकट करू तीर्थराज महोदधि प्रति अतिशय दिव्य आरती देखिए वर्तमान से दिव्य आरती को हस्तरे संस्कार करी उठेबे एपट पतित पावन नारायण को दर्शन कर दिंतु तापर दर्शन करवा तीर्थराज महोदधि को हरिहरी बोल हरिहरी बोल हरिहरी बोल टे प्रणाम करे प्रणाम करी प्रणाम पूर्वक तीर्थराज महोदधि आरती आपण मैने दर्शन करतु तीर्थराज महोदधि आरती दर्शन करने द्वारा तदर्शन भवत पुण्यम यत्संपर्कात् समुद्रोत्र तीर्थराजत्वमागतः यथायं भगवान् मुक्ति प्रदो दृष्टि पथं गतः सुदुर्लभं यत्रियतमेकैकं मुक्तिसाधनं तथेदं मरणात् क्षेत्रं सिन्धोस्नानाद् विमुक्तिदं। एक क्षेत्र संपर्क रे इठार समुद्र समस्त तीर्थर राजा स्वरूप प्राधान्य लाभ करिछंती। ये क्षेत्र रे सबु जते तीर्थ रही ये कली युग रे ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे तीर्थराज महोदधि एठी कौन ना सबु तीर्थ मानंकर राजा रूप रे प्रधानत्व लाभ करिछंती। जेपरी इठार भगवान दर्शन मात्र मुक्ति प्रदान करंती तद्रूप एही क्षेत्र रे मरण और समुद्र रे स्नान कले ये जीव मोक्ष प्राप्त होता है जीव। तेणु ये सरितापति भगवान तीर्थराज ये दिव्य महोदधि आरती एपटे पतित पावन नारायण दर्शन अनेक भक्त प्रात काल ठाकुर को दर्शन करगले मणिमा ये सुंदर भाव में पुष्प अलंकार सुसज्जित विग्रह अति रमणीय कमनीय एपटे तीर्थराज महोदधि ये अपूर्व आरती आरती चली तीर्थराज महोदधि तीर्थराज महोदधि आमको अनेक किसी प्रदान एवं भगवान जगदीश्वर ये शशुर वरुण जाहार शशुर तेणु वरुण देव राजा हूँ साक्षात भगवान जगदीश्वर ये हूँ शशुर यही प्रभु को यही प्रभुंर ये शशुर माँ लक्ष्मी पिता तेणु ताक पाखरे ये तीर्थराज महोदधि आरती एवं जिते तीर्थ रही सब तीर्थ मानकर राजा होती तीर्थराज तेणु से हीपरी भाव आम तीर्थराज आरती दर्शन करुचे प्रणाम करवा बारंबार तीर्थराज नमस्तुभ्यं नमस्ते सरितापते तदर्शनं भवेत् पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनं दर्शन करवा मात्र तीर्थराज महोदधि आम मानकर पुण्य वृद्धि होता है स्पर्शनं पापनाशनं स्पर्श करदे पाप नष्ट हो जाए तेणु हाथ को जोड़ी विनम्र भाव में काकुस्थ मुद्रा सेपटे घंट घंटा ध्वनि प्रकंपित होती तीर्थराज महोदधि ये अंचल
तटभूमि एवं आलती चली सुंदर भाव रे तीर्थराज महोदधिंकर आलती महोदधि आलती समुद्र आलती घंटा घंट नादर प्रकंपित होउछि। ये घंट बाजे काहीकि ना ये घंट बाजिबा द्वारा आमर वातावरण शुद्ध होता है। ये आम सनातन धर्म घंटार महत्व अति गुरुत्वपूर्ण। सेपरि भाव तीर्थराज महोदधिंकर आलती चली महाप्रभुंकर आलती चली आलती चली थ महाप्रभुंकर आलती अनेक प्रकार रही। तीर्थराज महोदधिंकर संध्या समय ये आलती शंकराचार्य मठ गोवर्धन मठ तरफ ये आलती प्रभु करा जाए था अति दिव्य आलती। वरुण राजा महाप्रभुंकर साक्षात ये होती शशुर प्रभुंकर वाहन हेले गरुड़ गंगादेवी प्रभु चरण रु बाहरी जिते तीर्थ रही गंगा जमुना सरस्वती कावेरी गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु। तेणु जिते तीर्थ रही सबु तीर्थंकर आसिकी कौटि मिशिंट सगर में आकाशात पति तत्वयम सागरम प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारम केशवं प्रति गच्छति। तेणु जिते नदी रही तीर्थमान से सब आसिकी मिशिंट सगर में इंपाई तीर्थराज महोदधिंकर आलती आम परंपरार रही। तीर्थराज महोदधिंकर महात्म्य अति स्वतंत्र गुरुत्वपूर्ण अनेक शास्त्र गुणगान करुछंती तीर्थराज महोदधिंकर एवं साक्षात आम परब्रह्म भगवान जगदीश्वरंकर होती शशुर। तेणु से हीपरि भाव आम प्रभुंकर आलती करुचे वरुण जाहार शशुर छत्र केते मातर कनक दंड धरी थांती प्रभु तुम्भ छामूर। तुम्हें प्रभु पाखक भगवान प्रत्येक अमावास्यार भगवान नारायण सागर विजय नीति अनुष्ठित होता पलै आसी था कहीं ना ये एक सुंदर उपाख्यान रही। बारंबार समुद्र देवता जिते पुरी उपर माड़ी आसुले अनेक धन जीवन नष्ट होता भगवान कौन कले ना हनुमान को जगेले बेड़ी हनुमान बा दरिया महावीर से दरिया कूल रही दरिया जगिले से लक्ष्मी टी कोप कले प्रभु टे ऋषिले माँ लक्ष्मी एवं पछपटे जगेदे कानपता हनुमान को समुद्र आवाज शुभव ना माँ लक्ष्मी कहले प्रभु मोर बापा बापा कौन आपण को एत दुख दौंस कष्ट आपण मोर बापा एत तिरस्कार करगवान महालक्ष्मी कथा रखापी प्रत्येक अमावास्या दिन महालक्ष्मी को खुशी करने प्रत्येक अमावास्या दिन आसी था मणिमा कि सगर कूल को सगर विजय नीति अनुष्ठित होता है प्रभुंर। तेणु समुद्र जल में स्नान होता प्रभु पाद धुआ होता है स्नान मान प्रत्यक्ष स्नान नु टे जल द्वारा कुश द्वारा सिंचन कराए जल प्रभु यहपर भाव में तीर्थराज महोदधिंकर आरती आम तीर्थराज प्रति सम्मान आम मान आम सनातन हिंदू हिसाब से तीर्थराज महोदधिंक प्रति आदर प्रकट करुचे स्नेह प्रकट करुचे सम्मान व्यक्त करुचे। ये हूँ आलती महोदधिंकर आलती एथ निमंत कराए जे महोदधि ये समुद्र सगर आम मानक अनेक किसी प्रदान कर देखु मत्स्य संपद ठारू जल संपद पर्यंत ये सगर आमको अनेक किसी प्रदान करहस्यमय सगर भीतरे केतेजे कौन संपद भर्ती भरपूर होकर रही सगर भितर से देखिए आमर जो मैंने जाती धीवर मैने नौका नहीं जीविका निम्ते सी अनेक संपद मत्स्यत आनी था अनेक संपद आनी था समुद्र रु शंख इत्यादि सबू शिप शामुका आहरी अनेक प्रकार मुक्ता रही कि समुद्र रु आम मान प्राप्त होता से निम्ते आम सनातन धर्म सनातन परंपरार ये आमर तो तीर्थ मान गंगा आरती होता है जमुना आरती होता है जिते नदी मान रही तीर्थस्थान मानक से घाटे से तीर्थ देवता तीर्थर नदी मान आरती कर ये क्षेत्र में सबू तीर्थ मानक राजा स्वरूप प्राधान्य लाभ कर तीर्थराज महोदधिंकर आरती कराई थाए तेणु ये लक्ष्मी पिता
लक्ष्मीकर बापा वरुण देवता प्रणाम करुछंती तीर्थराज महोदधी प्रणाम करुछंती संपन्न होइछंती आरती आरती सरिला घंटो घंटा सबू भूमि रे थुआ गला वर्तमान समस्त प्रणाम कले समस्त ब्रह्मचारी माने वैदिक विद्वान माने प्रणाम सारी वर्तमान देखिवे से तीर्थराज महोदधी आरती को धरिवे एवं से शंख से गड़ुटी को धरी जीवे समुद्र देवतांग पाखक समुद्र तट उदेश तीर्थराज महोदधी समीप को सन्निधि को जीवे जो स्थान तीर्थराज जल समुद्र जल जो पर्यंत आसुअ जुआर द्वारा लहड़ी द्वारा से स्थान को से आलती को धरी पादे पादे पकई सुंदर भाव बेलाभूमि से भूमि पाद पकई आग को गले दुईज वैदिक विद्वान से स्थान से दंडायमान हो तीर्थराज महोदधी को देखु से स्थान आलती देखाऊँ से जल से आणवे से जल आणिकी कौन हम ना भक्त मान सिंचन करे एवं आलती आनंदर सहित भक्त मैने जहाँकि आम आलतीर अनेक महत्व रही निम्ते ये तीर्थराज महोदधी आलती ये क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति भाव कह अत्युक्ति होना तेणु ये क्षेत्र तो रही आम राजा समस्त तीर्थानां सागर सरितांपति तस्मात् समस्त तीर्थेभ्य श्रेष्ठो सौ सर्वकामद तेणु ये सूर्य उदय हेले जपरी आम अंधकार नाश करे सेपरी कोटि कोटि संख्यार तीर्थ थिले मध्य महोदधी होती समस्त पापनाशकारी तीर्थराज तेणु जिते तीर्थ रही ये तीर्थ मानकर राजा तीर्थराज महोदधी तेणु ये जतबेले तीर्थराज महोदधी तीर्थराज किए होती ना प्रयाग किंतु कलिजुगर तीर्थ मानकर राजा होती तीर्थराज महोदधी तीर्थराज प्रयाग थे प्रभु पाख गले कहले प्रभु मत आप तीर्थ मानकर राजा कले मत समस्ते कर दौंस कर मान राजा टैक्स दिंती कर दिंती समस्ते मत कर दौंस कि महोदधी दौना भगवान जगदीश्वर कहले अरे तीर्थराज प्रयाग मु तुमको तीर्थ मानकर राजा करी मो घर राजा करी तेणु ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में ये तीर्थराज महोदधी महात्म्य आ कौन बामें कह एठी कोटि संख्यार तीर्थ आसिकी सागर सरितांपति तस्मात् समस्त तीर्थेभ्यो श्रेष्ठ सौ सर्वकामदह तेणु एठी स्नान दान होम जप और देवतांकर अर्चना आपण जहा किछि करिवे ताहा सब अक्षय बोली अक्षय होकर रहिवो अर्थात से पुण्य क्षय हेब नाही तेणु एहिपरि भावरे आनंदर सहित भक्तमान मध्य आरती ग्रहण करुछंती सादर रे सुंदर भाव रे दुई हाथ को बढ़े आग को से तीर्थराज महोदधी आलती को नहीं मस्तक लगौंती मस्तक बा आखिरे किए लगौच मुखमंडल किए लगौच तेणु ये आलती देखिए कहीं से अग्नि की कहीं स्पर्श करती ना से निया को कहीं स्पर्श करती ना कहीं निया को स्पर्श कले हाथ पोड़ी फोटका हे आँ हम तेणु से अग्नि जो आकाश तत्व रही से आकाश तत्व उपरे माने अग्निंकर टिके हल्का उष्मता अनुभव हव हस्त को सही परिभाव रे अग्नि जो प्रज्वलित होती शिखा उपरे हाथ देखे से हाथ को नहीं मस्तक स्पर्श करुछन काहिकी ना ये आकाश तत्व जो जो स्थान रे आलती करा जाउथला तीर्थराज महोदधींकर हो वा देवतांकर हो जेकोनोसी देवतांकर हो सही आलती के जदि आमे माने ग्रहण करिवा एक विशेष शक्ति ऊर्जा आम भितर संचार हो आलती रे एते शक्ति रही पॉजिटिव एनर्जी रही सकारात्मक ऊर्जा भरपूर होकर रही आरती एवं से निम्ते ये आलती देवता मानू करा जाए तीर्थराज महोदधी आलती संपन्न होती एपटे दृश्यमान हेले पतित पावन नारायण पुनः तीर्थराज महोदधी दर्शन आपण मैंने करुँचे जिते भक्त मैंने रही सब भक्त मैंने आनंदर सहित आरती ग्रहण करुछंति आरती ग्रहण करी प्रभु को चिंतन करुछंति एवं यही जो आरती आपण देखुछंति कि प्रत्येक दिन संध्यार तीर्थराज महोदधी आरती करा जाए एवं ये जो परंपरा तीर्थराज महोदधी आरती परंपरा यह पूर्वर तो चली थिला किंतु प्राय किछि वर्ष बंद होइछि बाधा आसी प्रतिघात आसी अनेक थर आक्रमण होती क्षेत्र उपरे जगन्नाथ मंदिर उपरे जगन्नाथ मंदिर एक एभली मंदिर
जहाँकि अनेक थर आक्रमण शिकार होतापर भी आम ओडिया हिसाब से आम आम जगन्नाथ को भल पाइचे भल पाथ्य आमर परिचय होती जगन्नाथ तेणु ये संध्या समय प्रभुं आलती देखुचे तीर्थराज को दर्शन करुचे तेणु ये तीर्थराज पाखरे आपण जहाँ स्नान दान जप होम जहाँ करेंगे सबकि अक्षय होताए से निम्ते ये तीर्थराज महोदधी आम आरती करी थाउ तीर्थराज नमस्तुभ्यम नमस्ते सरितापते जहाँ को दर्शन कले मनुष्य को पुण्यलाभ होगा सहित स्पर्शनम पाप पापनाशनम पापनाश हो जाए था पुण्यलाभ ही था तीर्थराज को दर्शन कले एपटे दर्शन करने भक्तंर भिड़ लग रही सिंहद्वार दर्शन पाई भकते जाउछंती दुई हाथ को ऊपर को टेकी प्रभु को प्रणाम करी सही बलियार भुजंग को दर्शन करिवा पाई जहांकर कौस्तुभ मणि गळार हार कौस्तुभ मणि अटई जार गळार कंठ तटर हार केउ माळा देई पूजीबी आहे नीलाद्रीवर प्रभु को अनेक माळा दिया जाई छी गेंडूर माला तराट माला मल्लीमा प्रभुंर तो अति प्रिय हूँ मल्लीमा तेणु प्रभुंर ये अनेक माला दि जाइए आम मैंने प्रभु को गोटे माल देकर कहे प्रभु आम आपण को माल देदेलु किंतु अच्युतानंद महापुरुष कौन कौन प्रभु आपण को जहाँ कंठरे कौस्तुभमणि माला पड़ी कौस्तुभमणि केवल भगवान विष्णु पाखने ही रही से कौस्तुभमणि एठ गोटे सुंदर प्रसंग आसे जे बैकुंठरे समस्ते होती चतुर्भुज नारायण स्वरूप जहाँ को देखिए चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धरी समस्ते विष्णु स्वरूप तेनाली गोटे प्रश्न आसे जे प्रकृत विष्णु को आपण किपर जाणी किपर देखिए तो यपरी जाणी जे प्रकृत विष्णु भगवान कौन ना कंठ देश कौस्तुभ मणि रही प्रभुंकर एवं पाखरे लक्ष्मी अच्छा आउ का पाखरे आपण लक्ष्मी की पाइबे कि कौस्तुभ मणि देखिए ना तेणु प्रभु को यहपरी चिन्हती नारदादि सकल ऋषि माने आउ प्रभुंकर वैकुंठ को जीवा कौन सहज कथा तेणु कौस्तुभ मणि जहार कंठ तटर हार केऊ माला देई पूजीबी आहे नीलाद्रीवर वरुण जहार ससुर तेणु ये साक्षात वरुण राज होती प्रभुंर ससुर वरुण राजा ये हूँ जगन्नाथ आम जगन्नाथ महाप्रभु आउ प्रभुंर भंडार रक्षपा किए ना कुबेर होती प्रभुंर भंडार रक्षपा प्रभु हो तुम्हें भृत्यर द्वारे भिक्षा मागिल प्रभुंर अनेक कथा रही जगन्नाथ संस्कृति एक चंदन काठ ताकू जिते घोरवे से महक बाहर थी किंतु प्रभुंर कथा सरना तेणु जगन्नाथ संस्कृति हूँ मधुर ये संस्कृति महाप्रभु ये विराजमान कर नीलाद्रौ शंख मध्ये सत दल कमले यहीपर भाव प्रभु लीला कर कमल गभा कमल चूल अमल कमल अति मंजूल कमल नयन कमल मुख कमल माल दर्शन सुख कमल बदन कमल कर पल्लव सुमन महाप्रभु जहाँ देखिए सब हूँ कमल नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी प्रभुंर पाद पद्म नाभि पद्म मुख पद्म चक्षु पद्म श्वेत पद्म आखि तेणु प्रभुंर रूप को अनेक मुनि ऋषि योगी माने वर्णना कर पद्म सहित पद्म फूलटी एक भारी भाग्यवान कहीं ना जो पद्म रु ब्रह्मांर सृष्टि जो पद्म उपरे भगवान ब्रह्मा विराजमान करते से पद्म प्रभुंर भारी प्रिय महालक्ष्मीकर तो प्रिय एवं से पद पुष्पराज होती पद्म पारिजात पुष्प तो स्वर्ग से ये आम मर्त्य नहांती किंतु ये जिते रही ये सब हूँ प्रभुंर पद्म फूलटी भारी प्रिय एवं आउ गोटे कथा आपण देखिए
ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीन जन देवता यदि देखिए ये भारी शीतलता को भारी भल पाते शीतलता अर्थ थंडा को भारी भल पाते क्या गरम भल लगे ना कहीं ना आप देखिए ब्रह्मा ब्रह्मा कौटी विराजमान करती ना पद्म पद्म भितर ब्रह्मा प्रभुंर नाभि कमलू नाभि पद्मू ब्रह्मा उत्पत्ति पद्म भितर शीतलता थाए से ब्रह्मा से विराजमान कर भगवान विष्णु कौटी अच्छा ना क्षीरसागर से शयन कर अनंत शेष नाग उपरे तेणु एक भारिया प्रकृतिर चला चंचला सा द्वितीया तेणु भगवान से यहीपर भाव आम शंकर भगवान को जदि देखिए सी कैलास पर विराजमान करपर भाव आमर त्रिनाथ ये शीतलता को भारी भल पाते ठंडा को भारी भल पाते आदि आम हृदयटा को आम शीतल करदे प्रभु आम हृदय कंदर में विराजमान करे तिलमात्र संदेह ना सदा सर्वदा आम मन को हृदय को स्वच्छ निर्मल शीतल करवा दरकार तेब जा प्रभु आम हृदय कंदर में बसवे विराजमान करे समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रिय जो भजन्ति तुमां भक्त्या मैते तेषु चाप्ययम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनान्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः आम्भे सबु जीवंक पक्षरे आमे समान आमे माने सबु जीवंक पक्षरे समान आम्भर केही अप्रिय नाही कि केही प्रिय नाही किंतु जेउ माने भक्तिपूर्वक आम्भंकु भजन करंती सेमान आंभठारे अवस्थान करती ये प्रभु स्वयं कहते समोहं सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रियः जे भजन्ति तुमां भक्त्या मैते तेषु चाप्ययम् प्रभुंकर केहि शत्रु केहि मित्र नाहंति एणु तो रिपु मित्र नाही प्राणी जानिबे तोते काही तोठारे भेद बुद्धि करी गोविंद बैरी मित्र अनुसारी गोविंद तु विश्वात्मा नरहारी गोविंद लीला बिहारे देह धरी गोविंद पशुंक मध्य हेउ जात ऋषिंक घरे ऋषि सूत जल जंतुंक मध्य तुहि गोविंद बिहरु मीन कुर्म होई गोविंद एक कथा तोते विडम्बन अध्यात्म आत्मा निरंजन हे मणिमा तुम्हें जेतेबेले मनुष्यंक पर लीला कर जेतेबेले तुम्हें जे कौन करिवा को चाह ताहा केही जानी पारंती नाही के जानी परिवो आम मानंकर सामर्थ्य अछि ना 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 तो आपणंकर प्रभु आपणंकर केही प्रिय नुहे कि केही अप्रिय नुह आउ आपणंक संबंध रे ये लोकंकर बुझिबारे ही विषमता रही थाए विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषः तेणु आपण होती विश्वर आत्मा आपण होती विश्वरूप आपणकर जन्म नाही कि कर्म नाही तथापि आपण पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर कि प्राणी आदि रूप से आपण ये जन्म हमती एवं से ही जोनिमान अनुरूप कर्म मध्य करिथांती प्रभु ये सब हूँ आपणकर लीला हे लीलामय आपण को कोटिकोटि प्रणाम कोटिकोटि प्रणाम यही कथा प्रभु को जनई कि सांध्य अधिवेशन कथावस्तु की अकिंचन बाणी की तार विराम देव एवं आसंतु श्रवण करवा महाप्रभुंकर भजन सेविका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर सुललित कंठरू महाप्रभुंकर भावपूर्ण भजन जय जय।